दौरान मुझे वो कुछ करना पड़ रहा है जो मेरी नेचर के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ ना, जिससे मैं शदीद नफरत करती हूँ उसी से मदद की भीख मांगनी पड़ रही है। पिछले 2 वीक्स में 15,000 सब्सक्राइबर्स ने चैनल छोड़ा है। यार देखो, बात को समझने की कोशिश करो। हमारे सब्सक्राइबर टूट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम देसी स्टफ नहीं बना रहे। यार वैसे गधे को बाप बनाने में कोई हर्ज तो नहीं? गधी को, चलो मैं एक एपिसोड का सीन तो कर ही लूंगी। ओके बाय बाय, आई विल सी यू। दाल को भिगोना होगा हमें, दोनों दालों को मिक्स करके। अच्छा, कितनी देर भिगोना है? अगर गर्म पानी में भिगो रही हो तो 20 मिनट भी बहुत है। हाँ, ज्यादा नहीं, वरना ज्यादा भी भिगो सकते हैं, इतना मसला नहीं है कोई। उसके बाद उसको हमने लाल मिर्च, हल्दी, हल्दी की क्वांटिटी हम ज्यादा नहीं करेंगे वरना। तो मैं अंदाजा नहीं मैं कितनी खुश हूँ, एक दिन में 1.5 लाख व्यूज आए मेरी वीडियोस पे। वही रेसिपीज बनाई जो तुमने बताई थी, दाल मखनी, मुर्ग छोले। क्या बात कर रही हो समरीन, तुम्हारे तो ऑलरेडी इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने फैंस हैं। नहीं यार, कब से फरमाइशें कर रहे थे कि देसी खाने बनाओ, देसी खाने बनाओ, सो फाइनली बना दिए। हाँ तो बस ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास तो बहुत सारी देसी रेसिपीज हैं। एक्चुअली मेरी अम्मी बहुत अच्छी कुक थी, उन्हीं की रेसिपीज है। रियली गुड यार, तो अच्छा हो गया। ये आ गई हमारी स्पेशल गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। तुमने मुझे बताया नहीं तुम रूही के साथ बैठी हो। आई मीन व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। भाई छोटे छोटे सरप्राइजेस मिलते रहे ना तो बंदा आदी हो जाता है, तो बड़े सरप्राइज पे हैरत नहीं होती। वैसे ये कुकिंग से फिलॉसफी तक का सफर आपने अभी शुरू किया है। खुश हैं आज ये बहुत। मैं बहुत खुश हूँ, थोड़ी सी जेलस हूँ। जेलस क्यों भाई? कल तक मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी एफर्ट्स की वजह से थी, मगर आज से उसमें मैडम का हाथ भी शामिल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कितनी अच्छी शेफ हो तुम समरीन। मैं तो बस यूं ही देसी टोटकों से कुछ ना कुछ पका लेती हूँ। इंटरेस्टिंग, तो इसका मतलब है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता करके घर पे कदम जमाना शुरू कर दिए। भाई मैं क्या, पूरा सिद्दीकी खानदान इनका दीवाना है। ओ रियली? रुहेल भी? उसकी तो फरमाइशें खत्म नहीं होती, ये बना दो वो बना दो, और रुहेल की बदौलत हमें भी अच्छे अच्छे खाने खाने को मिल जाते हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बीजान जो कहती है मैं बना लेती हूँ बस। हाँ रुहेल की एक आध पसंद होती है फरमाइश, लेकिन ये लोग बहुत सादा लोग हैं, कोई ऐसा फरमाइश करता नहीं है। रोहेल कब से सादगी पसंद होना शुरू हो गया? जहाँ तक मैं रोहेल को जानती हूँ, रोहेल तो ब्रांडेड घड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड परफ्यूम, वो तो इन सारी चीज़ों से बाहर ही नहीं आता। रोहेल इज नॉट सिंपल, उसका तो पूरा लाइफस्टाइल ही लैविश है ना? मैं खाने की बात कर रही थी, खाने में, खाने की बात कर रही थी। काफ़ी मालूमात है आपको खाने के बारे में, और क्या क्या जानते हैं आप रोहेल के बारे में? बहुत बेरहम दुनिया है, रहमदिल लोग कम ही हैं इस दुनिया में, और रोहेल उनमें से एक है। अपने बड़ों की बहुत इज्जत करते हैं, और आपसे तो बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मजबूत रिश्ता है आप दोनों का। खुदा आप दोनों को नजरे बद से बचाए और हमेशा एक साथ रखे, आमीन। भाई लड़कियां जब किसी एक नाम के साथ जुड़ जाए ना तो उसी की होके रह जाती हैं। ये लड़के ही हैं जो इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। हाँ लेकिन परवरिश पे डिपेंड करता है लड़कों को। अगर कोई बेवफाई करना चाहे तो कोई उसे रोक भी नहीं सकता। लेकिन बेवफाई के लिए कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता ना।
और कोई अगर चीट करना चाहे तो कोई इसे रोक भी नहीं सकता। ओके गर्ल्स, लेट्स ऑर्डर समथिंग।